हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ और एक वीडियो लेके, वो भी माइनक्राफ्ट का। तो आप लोग सोच सकते हो कि मैं अभी बाहर में क्या कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग जा रहे थे, मतलब एक जगह ढूंढ रहे थे और एक घर भी थोड़ा सा बनाया था, बस उसके बाद आपको पता है क्या हुआ ना हुआ। तो वो सब पुराने बात छोड़ दो, आज हम बनाएंगे अच्छा सा घर। तो उस जगह से मैं बहुत दूर आ चुका हूँ घूमते घूमते, क्योंकि उस जगह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं बाहर की तरफ आ गया। तो बाहर की तरफ आते ही सबसे पहला जो काम है माइनक्राफ्ट का, वो है पेड़ काटो। तो पेड़ काट रहा हूँ और क्या करूँ, पेड़ काटते काटते देखो ऊपर से स्नो भी गिर गया, तो स्नो का तो काम काज नहीं है, तो उसको छोड़ते और चलते आगे। तो अगले दिन देखा ही था भाई, क्या ही बुरा हाल हुआ था मेरा, मतलब इतना बुरा हाल पूरे माइनक्राफ्ट में कितना नहीं होगा, किसी का नहीं होगा आई थिंक। तो ये सब छोड़ो बात, पहले इसे यहाँ पर कोल पड़ा हुआ है, कोल को माइन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर बनाने। तो आज वीडियो में सिर्फ हम अपना घर ही बनाने वाला है। उससे पहले घर बनाने से पहले घर बनाने का प्लेस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन की तरह मतलब गलत जगह में घर बना लिया, मतलब स्पॉनर के ऊपर, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो उससे पहले ये जो थूक रहा है मेरे पे, मतलब मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती कर दिया बंदे ने। तो इसका नाम है लामा, तो लामा ने मेरा बेइज्जती अच्छे से कर दिया, इसलिए भी मैंने उसको मार दिया। उसका फ्रेंड भी है, उसको फ्रेंड को भी मार लेते कोई ना, मेरे पे थूका था। और हम लोग सिर्फ कैसे भूल सकते जो ये भेड़ है, तो यही माइनक्राफ्ट का बहुत बड़ा काम करता है, हम हमारे लिए सोने का काम करता है, मतलब इससे उल है, उल से बेड बनता है, उससे वजह से हम क्या सोते हैं। तो इस पीक को देखो यार, मैं पीक को मारने के लिए जाता हूँ तो पीक भाग जाते हैं, घूम के मेरे तरफ आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, खुद बोल रहा है कि आओ बेटा मुझको मारो। तो हम भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, हम भी मार ले इसको अच्छे खासा। तो उस सब छोड़ देखने के बाद हम आ रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, तब जाते जाते मुझे मिला है दो दो डॉग। तो इसका शक्ल पे मत जाना यार, मैं इसको खाने के लिए खाना भी नहीं खाया। तो इसको अगर एक भी हिट पड़ जाता है ना, तो मेरा खटा खड़ी हो सकता है, कि ये डॉग है भाई, डॉग नहीं है सॉरी, ये भेड़िया है, और भेड़िया का चल बहुत ख़राब होता है। तो मैं छोटे से केव के अंदर आया तो मुझे यहाँ पर कोल मिला, तो यहाँ पर इतना सारा कोल था, आप सिर्फ देखो यहाँ पर कितना सारा कोल था। तो बहुत देर तक कोयला माइन करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ आसपास और कोयला है क्या, तो उसके बाद निकल जाता हूँ, क्योंकि कोयला भाई चाहिए हमको बहुत सारा, क्योंकि उससे ही बनता है खाना, मतलब टॉर्चेस और कुछ। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, कोयले को बहुत बंदे तो भाव ही नहीं देते, और बहुत बंदे तो कोयले के लिए मतलब फार्म ही बना के रखे। तो वो सब बात छोड़ो, हम भी बनाएंगे फ्यूचर में, जब हमारा मतलब अच्छा सा क्या बोलते हो, अच्छा सा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड बन जाएगा तब। तो वो सब छोड़ो, मुझको मिल चुका है घर बनने के लिए जगह, वो भी इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर देखो पीछे पानी भी है, चार आसपास में पेड़ भी है, तो अगर ट्री भी चाहिए होगा तो यहाँ से ले लेंगे। तो उससे पहले इस जगह को सपाट कर लेते हैं, क्योंकि घर बनाने के लिए जगह को सपाट करना ज़रूरी है। तो सपाट करने के बाद देखो कितना ज़्यादा सपाट हो गया जगह, तो यहाँ पर ही बनाएगा अपना घर, अपना ड्रीम हाउस, जो जिसमें से मैं रहूँगा, मतलब समझ रहे हो, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। तो देखा जाएगा बाद में अगर किसी को ले आए तो। तो सब छोड़ो, पहले घर का स्ट्रक्चर बना लेते। और हाँ, आप ये मत सोचना कि ये मेरा पहला बड़ा घर है, अरे इसके बाद भी बनाएंगे घर, वेट करो, सिर्फ ये पहला घर है, और पहला घर हर बंदे का नूब नूब सा दिखता है, तो मैं भी बना रहा हूँ नूब नूब सा घर। तो इस घर को देखने के बाद हंसना मत और कुछ बोलना मत कि भाई क्या घर बना दिया बेकार सा। तो रुको जरा, सब्र करो, कुछ दिन जाने दो माइनक्राफ्ट में, फिर से न्यू न्यू घर ले आएंगे, मॉडर्न हाउस, उसके बाद पबजी के हाउस भी बनाएंगे,
टेंशन ना लो, पबजी का हर एक जितना भी हाउस बिल्डिंग है सब हर एक हाउस का बनाएंगे ट्यूटोरियल। तो चैनल से बने रहना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, क्योंकि देखो यार इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है। तो आप कुछ ना, तो आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो आप प्लीज़ वीडियो को रेगुलर देखा करो, कि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को। तो वो सब बात तो छोड़ो, हो गया है रात, और रात होने का मतलब है एक ही चीज़ भाई, जॉम्बी, क्रीपर और स्केलेटन। स्केलेटन को नाम ही नहीं रहता भाई, इतना घटिया चीज़ है ना, क्रीपर से भी घटिया कोई चीज़ हो सकता है तो वो स्केलेटन हो सकता है, उससे घटिया चीज़ दुनिया में नहीं है। क्योंकि भाई क्रीपर एक टाइम में तो भी ठीक है भाई, मतलब अचानक से आता है तो फूटता नहीं फूटता छोड़ो। तो स्केलेटन इतना गंदा चीज़ है भाई, मारते रहता जब तक ना आप उसके पास जाके उसको मारो। तो उसको छोड़ो, बन चुका है मेरा घर का स्ट्रक्चर, जो मतलब ताजमहल से कम नहीं लगा, मतलब ताजमहल सॉरी सस्ता बड़ा ताजमहल। तो इसको बनाते हैं पूरा का पूरा, और आप देखते रहो भाई कैसे बना रहा हूँ मैं पूरा का पूरा। और गाइस थोड़ी देर बनाने के बाद मुझे याद आया मेरे पास ऊट ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे ही रात है उसके बाद ऊट नहीं है, उसके बाद मेरे पे बेड भी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ दो सीप मारा है, तीसरा सब सीप नहीं मारा, जिसके कारण मेरे पे सिर्फ तीन ऊल है और दो ऊल से मैं बेड नहीं बना सकता। तो इसके लिए मुझे रात को जाना पड़ेगा ट्री काटने, तो रात को मैं ट्री काट के लाऊंगा, उसके बाद घर को कंप्लीट करूंगा। तो आप देखते रहो मेरा सस्ता था आज मेरे। तो गाइस बहुत देखकर ट्री काटने के बाद मैं बहुत सारे रिक्वायर लेके आ गया, क्योंकि मैंने बीच में वो वाला पार्ट स्किप कर दिया था। तो आप लोग सोचो मत कि ये बंदा मतलब इसके बाद इतना किए कहाँ से आया, तो ऐसा मुझे बोल रहा था इसके बाद फ्री नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है गाइस। मैं जॉम्बी कीपर स्केलेटन से रड़ लड़ के मैं लेके आया, तो RIP जॉम्बी। सब छोड़ते और कंसंट्रेट करते हैं हमारे घर के ऊपर, जो हमारा आधा अधूरा घर है उसको हमको कंप्लीट करना है आज रात के अंदर, मतलब आज रात के अंदर तो कंप्लीट नहीं होएगा क्या, अगर देखता हूँ अगर ज़्यादा क्रीपी लेके आ गया तो हो जाएगा, नहीं तो भाई कीपर और जॉम्बी के हाथ में मैं मर जाऊँगा और फिर से कहीं पे दूर पे जाके स्पॉन होना पड़ेगा, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो सब छोड़ो और घर बनाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि घर अगर बन गया तो किसी का मतलब कोई किसी का भी बाप पीस घर के अंदर नहीं आ सकता मेरे परमिशन के बिना। तो वो सब छोड़ो और देखो यार मेरा घर कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि मैंने रात को फिर से मैं जंगल में जा गया ट्री को काटने, और ट्री के काट के मैं इतना सारा ऊट लेकर आया क्योंकि घर को सुबह के अंदर कंप्लीट कर लिया। और जब भी मैं गया था ट्री काटने तभी मुझे एक और एक सीप मिल गया था, जिससे मैंने एक बेड बना लिया और ऊपर एक कैंप फायर बना लिया जो देख रहे ऊपर जल रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इस घर है तो घर के नीचे एक फ्लोरिंग भी होना चाहिए, तो फ्लोरिंग तो सही है बट इससे बहुत ज़्यादा ऊट वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि प्लैंक बना लूँ, और प्लैंक बनाने से कि थोड़ा ऊट बच भी जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो। तो प्लैंक बना लेते और प्लैंक बिछा देते, और तब तक इस जो ऊट है इसको तोड़ लेते, क्योंकि ये वाला ऊट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छा तो प्लैंक बना लेते, वो बहुत सही दिखता है। एक दो मिनट तक मैं एक काम करते गया और फाइनली हमारा जो घर का फ्लोरिंग है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो देखो गाइस बहुत अच्छा दिख रहा है घर का फ्लोरिंग, मतलब वो जो नीचे जो पत्थर है वो पत्थर नहीं दिख रहा है अभी, तो अभी जो करना है वो करना है ऊपर का जो छत है उसको कम्प्लीट करना। तो उससे पहले जो घर का गेट है, मतलब तुम घर बनाओ और घर का अगर गेट ही ना बनाओ तो जो कोई भी तुम्हारे घर के अंदर आ सकता है, तो सबसे पहले घर का गेट बना लेते हैं, क्योंकि भाई घर का गेट ही नहीं रहेगा तो छत लेकर क्या काम करोगे, क्योंकि छत अगर ऊपर से मतलब खोखला भी हो तो फिर भी चारों तरफ से नहीं आएगा बंदे, अगर तुम्हारा गेट ही खुला हो तो तुम तो उसको इनवाइट कर रहे हो कि आओ बेटा हमको मार के जाओ। तो यही चल रहा है ज़िंदगी में, और एक गेट भी लगा लिया जिससे कोई अंदर भी नहीं आ पाएगा हमारे सिवा, क्योंकि हमको पता है कैसे अंदर बाहर जाते। तो ये सब हो गया, तो ऊपर के लिए एक सीढ़ियां बना लेते, कि ऊपर के छत भी अभी कंप्लीट करना बाकी है यार, अगर छत ही ना कंप्लीट करेंगे तो बारिश गिरेगा यार, और बारिश गिरने से भाई
ये तो सही लगता है, इतना अच्छा घर बनाए और ऊपर से बारिश गिरे तो आप तो जो घर को बनाए उसको तो काले देंगे। तो ऐसा ही यार, मैं ही खुद बना रहा हूँ तो इस बात का तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर से बारिश ना गिरे, इसलिए मुझको ऊपर का वाला जो फ्लोरिंग है उसको मुझे कम्प्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने सोच रहा था कि ऊपर के जो घर है मैं तो वो किस चीज़ से मैं फिल करूँ, तो उसके बाद मैं सोच रहा कि वुड से करूँ, और उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास प्लैंक पड़े हुए हैं तो प्लैंक से कर लेता हूँ, मेरे पास वुड भी बच जाएगा तो प्लैंक से कर लेते। यार कितना टाइम लगेगा, प्लैंक से बहुत जल्दी हो जाता है। तो प्लैंक करने के बाद यहाँ पर देखो कैंप फायर भी लगा हुआ है, अगर दूर से अगर देखना तो मुझे देख जाएगा कि मेरा घर यहाँ पर है। तो फटाफट इसको फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद इस घर का ऊपर का फ्लोर बनाएंगे जो बनेगा बहुत मस्त वाला। तो गाइस फाइनली पूरा घर का जो छत है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और इसके बाद मुझे करना है इसका सेकेंड फ्लोरिंग का काम। तो यार ये जो सीढ़ियाँ देख रहा हूँ, देख रहे हो, इसको मैं पूरे छत में बिछा दूंगा और उसके बाद दिखाऊंगा पूरा घर कैसा दिख रहा है। तो एक बार में हम चलेंगे घर के तरफ, मतलब मैंने बहुत देर तक किया घर को काम, घर के ऊपर काम एक घंटे के तरफ, तो उसके बाद सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो गया। तो आप देखना चाहते हो तो देख लो एक 5 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड आप गिन लो, उसके अंदर आपको दिख जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। देख लो भाई कैसा ही मस्त बन गया घर ऊपर का। तो ऊपर के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा यार ऊपर के घर कंप्लीट करने में, तो ये भी सही है यार, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग गया। मैं पत्थर खोदने गया, पत्थर खोदने के बाद वहाँ से आया, आने के बाद ऊपर वाला फ्लोर बनाया, उसके बाद तो मुझे मेरे पास वुड ही नहीं था, मुझे फिर से पेड़ काटने जाना पड़ा, पेड़ काट के आके फिर मुझे बनाना पड़ा। तो इसमें बहुत मेहनत लग गया यार, करीब करीब 1 घंटे से ऊपर मुझे लग गया सिर्फ इस ऊपर वाले फ्लोर को बनाने में, और उसके ऊपर तो और भी 10-20 मिनट जोड़ लो जो ट्री है उसको काटने में, क्योंकि भाई कम ट्री नहीं बहुत सारे ट्री लग रहे थे मुझे। और नीचे देखो एक मुर्गी भी सीप भी आया है मेरे घर को देखने के लिए, तो वो बड़ी बात नहीं है कि मैं उसको मार के खा जाऊँगा, मतलब सही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सैड क्यों लेने आया हूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर जो घर था मेरा वहाँ पर जो खिड़कियाँ है वहाँ पर मुझे ग्लास लगाना है यार, ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना। तो यहाँ पर फरने से मैं सैंड डाल देता हूँ अच्छा सा, और कुछ देर के बाद मुझे ग्लास मिल जाएगा तो ग्लास भी लगा लेंगे, उसके बाद मेरा घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सिर्फ देखते रहो। तो 10 मिनट वेट करने के बाद जो मेरा सारा का सारा जो सैंड था वो कन्वर्ट हो गया ग्लास में, तो देख ले मेरे पे 48 ग्लास है। तो लगाना शुरू करते, यहाँ पर 2 लगेगा, वहाँ पर 4 लगेगा, ऐसे ही लगाते जाते। और लगाने के बाद मतलब और कुछ नहीं यार, घर कंप्लीट होने वाला है, तो एक लाइक ठोक दो अच्छे से, मतलब आपको अगर अच्छा लगे तो ठोक दो, क्योंकि इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट लाने वाले हैं सेकेंड पार्ट के बाद, ये मतलब सेकेंड पार्ट है बाय द वे, आप अगर न्यू देख रहे हो तो इसके बाद हम लकी ब्लॉक वाला जो गेम है उसके ऊपर मैं हम वीडियो लाने वाले थर्ड पार्ट में, मतलब इसका जो थर्ड पार्ट है वो बाद में आएगा, उससे पहले लकी ब्लॉक वाला जो गेम है उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर भी लगा देते हैं ग्लास वाला चीज़, ग्लास लगाने के बाद हमारा जो घर है वो बहुत ही मस्त दिख रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब सस्ता ताजमहल से उससे थोड़ा महंगा वाला ताजमहल बन गया है। और यहाँ पर देख लो चिमनी भी बना दिया जो जहाँ पर हम ठंडी में गर्मी सेक सकते, तो ये सब सही है, घर भी बहुत सही दिख रहा। तो यही था गाइस मतलब मेरा घर बनाने का ट्यूटोरियल। अब मेरा घर का थोड़ा आसपास का व्यू आप देख लो, मतलब आसपास तो भी देख लो यार मेरा घर कैसा दिखता है, कोई भी टट्टी मत बोलना यार, बहुत मुश्किल से बनाया घर मेरा। तो यही है मेरा घर, तो आपको अगर ये वाला घर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्या बोलो यार, देख लो मेरा कैरेक्टर मतलब स्केलेटन बना हुआ, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ वही मैं बन के रखा हूँ, जिससे स्केलेटन मुझे ना मारे। तो यही था गाइस, आपको अगर ये वाला घर का मेरा घर अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा देना, एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से और भी वीडियोज देखने के लिए। टाटा बाय बाय।